डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कैंपेन शुरू करी है सभी बैंकों के माध्यम से, जिसमें वो चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल स्टाफ से पता किया जाए कि उनको क्या, उनके क्या सजेशंस हैं बैंकिंग इम्प्रूव करने के लिए और क्या कंस्ट्रेंट वो फेस कर रहे हैं, जो कि वो बता सकें, ग्राउंड लेवल की जानकारी दे सकें। तो सभी बैंकों में आज और पिछले कल यानी कि 17-18 को ब्रांच लेवल पे जितने भी ब्रांच मैनेजर्स हैं उनसे कंसल्ट किया गया, उनसे एक एवेल्यूशन डिफरेंट पॉइंट्स पे एवेल्यूशन किया गया ब्रांच को, के उनको मार्क्स दिए गए, उनसे पूछा गया आपके मार्क्स कम क्यों आए, ज़्यादा क्यों आए, किस एरिया में आपने अच्छा काम किया, किस एरिया में आप अच्छा काम कर सकते हो, डिफरेंट उनसे सुझाव मांगे गए उनके एरिया के हिसाब से कि बैंकिंग प्रणाली में और क्या सुधार आ सकता है। स्पेशली इसका एक पर्पस ये था कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का शेयर मार्केट में प्राइवेट सेक्टर बैंक से थोड़ा कम हो रहा है, मतलब जो अनुपात है वो घट रहा है, तो उस अनुपात को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैंक्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनमें सुधार लाना चाहते हैं, उनकी प्रक्रिया में और इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने डाउन द लाइन कि ब्रांच लेवल तक जाओ और कंसल्टेशन करो, उनसे इनपुट्स लो कि हम क्या और कर सकते हैं। तो देवर डिफरेंट पॉइंट्स, करीब 8-10 पॉइंट्स थे जिन पे उनसे विचार विमर्श किया गया, और हर ब्रांच से हमने सभी मुद्दों पे चर्चा करी, सभी ब्रांच मैनेजर्स ने अपने अच्छे अच्छे सुझाव दिए उनके एरिया के हिसाब से, जिस एरिया में वो फंक्शन कर रहे हैं, किसान को ऋण देने के लिए और क्या अच्छे कदम उठाए जा सकते हैं, MSME के बोरोवर को और कैसे आगे बढ़ावा दिया जा सकता है, नए एंटरप्रेन्योर्स को किस तरह से अच्छी फाइनेंस की जा सकती है, होम लोन में क्या सुधार आ सकता है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसको बढ़ाने के लिए बैंक्स क्या आगे कदम उठा सकते हैं, इन सब चीज़ों को, डिजिटल बैंकिंग में जो कैश ट्रांजेक्शन अभी हो रहा है उसको कम करने के लिए जो डिजिटल बैंकिंग है उसमें हम क्या सुधार ला सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग, ATM बैंकिंग, पॉस बैंकिंग, जो पॉस में ट्रांजेक्शन कर सकें उसमें हम क्या सुधार ला सकते हैं, किस तरह से उसको फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि बैंकिंग प्रणाली में कैश का ट्रांजेक्शन कम हो और डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़े, और ब्लू इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन हुआ कि जो ओशियन से रिलेटेड या पानी से रिलेटेड जो भी इकोनॉमी में हम सुधार ला सकते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन हुआ, स्वच्छता के बारे में डिस्कशन हुआ कि हम स्वच्छता को बढ़ाने के लिए और क्या बैंक्स कदम उठा सकती है ताकि स्वच्छ जो अभियान चल रहा है भारत में उसमें हम बैंक के माध्यम से और क्या कदम उठा सकते हैं। इन सुझावों को हमने एकत्रित करके अंचल कार्यालय लेवल पे उसको कंसोलिडेट करके हम हमारे प्रधान कार्यालय को भेजेंगे, प्रधान कार्यालय में इसी तरह के हमारे जो 42 अंचल हैं वहाँ से सुझाव आएंगे, उनको एकत्रित करके हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भेजेंगे, और इसी बीच एक स्टेप टू एक और रहेगी कि जो स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी है जो कि हर स्टेट पे होती है वहाँ पे भी ये लोग जो अपने सुझाव हैं वो देंगे, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी भी डिस्कस करेगी, स्टेट लेवल पे जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है राज्य के लेवल पे वो स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के माध्यम से इम्प्लीमेंट होंगे, और जो बैंकों के थ्रू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जनरल सभी बैंकों में इम्प्लीमेंट करेगी ताकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स कैन बी प्रूव टू बी बेटर देन प्राइवेट सेक्टर।